और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी की अनाउंसमेंट टीजर कह लें और टाइटल क्या बताएंगे मौजम। टाइटल है बॉर्डर 2 अनाउंसमेंट वीडियो 2 और भाई सनी देओल वरुण धवन इंडियाज बिगेस्ट वॉर फिल्म 23 जनवरी 2026। एंड मैं वीडियो 2 कह रहा से पहले वीडियो 1 भी आई है कोई पता नहीं। मैं तो भाई बोलने की कोशिश करने लगी थी मौजम ने ब्रेक लगवा दी है। एनीवे गाइस अब स्टार का सो जो सामने थी वो मौजम ने बता दी तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का रिजल्ट लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुजरने वाली हवा बता सोनू निगम सर मेरा इतना काम करेगी। दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूँ। जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़ कर आता हूँ। हिंदुस्तान का फौजी हूँ मैं। संदेश ओके भी तो 23 जनवरी 2026 काफी टाइम है भाई। मुझे लग रहा है कि इसकी भी स्टार कास्ट और ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है क्योंकि अगर हम लोग बॉर्डर 1 की बात हाँ। करें तो उसमें भी अब वो एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट नजर आती है। लेकिन इमोशंस आप के अंदर वही वाले इंजेक्ट किए जा रहे हैं ये मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि जैसे ही आपको सोनू निगम सर की आवाज़ सुनने को मिलती है और बीच में म्यूज़िक सुनने को मिलता है और बीच में डायलॉग वरुण धवन का सुनने को मिलता है मतलब लिटरली आपको फीलिंग आती है लाइक बहुत ही उन्होंने मैं कहूँगी कि वरुण धवन की आवाज़ में आपको एक कह लो कि एक पावर जो है ना वो फील हुई है डायलॉग में। हाँ बिल्कुल। मैं अभी जो एक टीजर से ही मैं कहूँगा कि डेट अनाउंसमेंट की है वो देखी है तो उसमें बॉर्डर जो पहले मूवी आई थी तो उसकी कहीं ना कहीं जो ना आपको एक याद जो है वो ताज़ा जो है वो करवाई जा रही है क्योंकि उसमें भी अगर देखा जाए तो जो ये गाना था संदेश से आते हैं बड़ा हिट गाना जो है वो अपने टाइम का जो है वो रहा हुआ है और उस गाने में इमोशंस उस गाने में जो एक फीलिंग्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दर्शाई गई हैं। अभी ये जो बॉर्डर 2 आ रही है ये पता नहीं कौन सी अब वॉर पे जो है वो बनाई जाएगी। हाँ। ये तो अभी जब इसका मेरा ख्याल है कोई साल लग ही जाएगा टीजर ट्रेलर आने में इसका क्योंकि अगर जनवरी में 2026 जनवरी में आनी है तो इसका मतलब है कि कहीं जाके दिसंबर में या 2025 नवंबर में जाके कहीं इसका ट्रेलर जो है वो आपको शायद जो है वो देखने को जो है वो मिले। लेकिन जो है भाई स्टार कास्ट के हिसाब से बात की जाए तो वो सिर्फ अभी वरुण धवन और सनी देओल सर का पता है। सनी देओल सर जो है वो पहले जो है मेजर का रोल जो है प्ले कर चुके हैं तो अब जो है क्योंकि इतने अरसे बाद 97 के बाद जो है अब ये मूवी जो है आ रही है अब इसमें उनका क्या रोल होगा वो तो देखने वाला होगा। लेकिन जो है ना बाकी के स्टार कास्ट के लिए जो है ना मुझे इंतजार रहेगा। मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा। मुझे लगता है वो एक नई बटालियन के साथ आएंगे क्योंकि अगर हम लोग जो अगर बॉर्डर 1 देखते हैं मतलब उसका एंड तक आते आते आपको जो सीन मतलब मेरे माइंड में है वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। सो मुझे लगता है वो एक नई बटालियन के साथ आएंगे। और अगर हम बॉर्डर 1 की स्टार कास्ट की बात करें तो उसमें सनी देओल सर थे, सुनील शेट्टी सर थे, जैकी श्रॉफ सर थोड़े रोल के लिए थे लेकिन उनका भी रोल का अक्षय खन्ना सर थे, पूजा भट्ट थी, वैसे मैं कह रही हूँ पूजा भट्ट थी और अगर इसे आलिया भट्ट नजर आई तो मतलब एक तरह से आपकी जनरेशन टू जनरेशन वो एक सीरीज जो है वो चलती रहती लेकिन, है। लेकिन जो है ना क्योंकि अब पार्ट 2 जो है बॉर्डर 2 जो है वो आ रही है तो भाई मेरा ख्याल स्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है वो रहेगा क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है कि आपके डायलॉग्स अभी स्टार्टिंग में वैसे जो डायलॉग बोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायलॉग थे लेकिन जो है भाई बाकी जो फिल्म के अंदर चीज़ें चलेंगी ना उनका जो उनमें जो डायलॉग्स का चुनाव होगा वो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक जो डायलॉग है वो आपको अपने कंट्री से प्रेम वतन से मोहब्बत उसको लेकर जो मतलब जिस तरीके से जितनी मैं कहूँगी कि एक उसमें इंटेंसिटी आपको नज़र आई है उनके बोलने में क्योंकि मुझे लगता है कि डायलॉग डिलीवर करने में ना आपकी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत मैटर करती है और वरुण धवन की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें।
बाकी मैं तो ये बात बोलूँगी कि फ़िलहाल इस अनाउंसमेंट में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा ना, वो मुझे सोनू निगम सर की आवाज़ लगी है और म्यूज़िक लगा है, वो जिस तरीके से उन्होंने बोला है, आई मीन पता नहीं क्यों एक अलग ही वाइब है। और मुझे ऐसे लगता है सीरियसली उस पहले वाला जब गाना आप सुनते हो ना, उसमें हवाओं की भी जो आवाज़ आती है ना, वो आपके माइंड में अभी भी मतलब उसी तरीके से हवाएँ भी चलना शुरू हो जाती हैं। सो बहुत नॉस्टैल्जिक आप हो जाते हो। एनी वे ओवरऑल भाई शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये अनाउंसमेंट का सुनकर और सोनू निगम सर की आवाज़ का सुनकर कैसा फील हुआ है, और बीच में थोड़े से ग्लिम्प्स भी उन्होंने दिखाए हैं पिछली मूवी के ना। सो ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें डाल करें।